देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से तमाम मतदान केंद्रों पे मतदाता वोटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक भी है। हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की कुछ खास तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज एक दूल्हा शादी की रस्मों से पहले सुबह सुबह वोट डालने पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक दुल्हन शादी की तैयारियों के बीच पहले वोट डालने का अपना कर्तव्य पूरा करने मतदान केंद्र पे पहुंची। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से भी पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागपुर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि वो बेधड़क सुविधा से वोट डाल सके। उधर मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स वोट डालने पहुंचा जो खुद 19वीं बार चुनाव लड़ रहा है। पिछले 18 बार के चुनावों में परमानंद तोलानी की जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं। ये एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। आज पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाता वोटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक है। हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की कुछ खास तस्वीरें जो न सिर्फ ये बताने के लिए काफी हैं कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि आज के युवाओं की भागीदारी इस उत्सव में कितनी बड़ी है। नजारा लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का है तो तस्वीरें भी अनोखी और खास दिखाई दे रही हैं। बात वोट के अधिकार का है, सरकार बनाने का है तो कोई भी मतदान करने में पीछे नहीं रहना चाहता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें हो या राजस्थान के फतेहपुर की, सभी जगह मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। राजस्थान के फतेहपुर में शादी की रस्मों को निभाने के बाद दूल्हा दुल्हन पहुंच गए सीधे मतदान केंद्र। दुल्हा दुल्हन के साथ परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की ये अनूठी तस्वीर देखिए। एक दुल्हा शादी की रस्मों से पहले ही सुबह सुबह मतदान के महोत्सव में शामिल होने पहुंच गया। को पता कि मतदान महादान है और ये सर्वश्रेष्ठ हमारे ही काम बनते कि हम मत क्योंकि हमारे मत देने से ही सरकार तय हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक दुल्हन शादी के फेरे लेने के बाद सीधे मतदान केंद्र चली आई क्योंकि उसे एहसास था कि उसे लोकतंत्र को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। फेरे सुबह ही हुए, अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, यहाँ से जाने के बाद फिर विदा हुई। उत्तराखंड के चमोली में लोकसभा के लिए मतदान चल रहा है। शादी का सीजन है लेकिन दूल्हा दुल्हन यहाँ भी वोट देने में पीछे नहीं है। अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझते हैं। जोशीमठ में भी एक दुल्हन फेरों के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंच गई क्योंकि लोकसभा है जो देश के प्रधानमंत्री और जो सांसदों को चुनने का वोट है वो उन्होंने प्रयोग किया है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नागपुर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है ताकि वे बेधड़क बिना किसी दिक्कत के वोट डाल सके। मुझे लगता है कि नागपुर में पहली बार ऐसा किया गया है कि खासकर ट्रांसजेंडर्स को देखते हुए उनकी सोच को सोचते हुए फुल एक रेनबो का ये सेट तैयार किया गया हुआ है जो कि दर्शाता है कि LGBTQI+ को दर्शाता है, एक रेनबो है। तो काफी उत्साह है ट्रांसजेंडर के प्रति यहाँ पर आके वोट करने के लिए। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स वोट डालने पहुंचा जो खुद 19वीं बार चुनाव लड़ रहा है। पिछले 18 बार के चुनावों में परमानंद तोलानी की जमानत जब्त हो चुकी है लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं है और ये एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कठुआ से सुनील जी भट्ट, नागपुर से मुस्तफा शेख, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और फतेहपुर से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।